हेलो गाइस, मैं पिछले वीक आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि अपन किसी भी इमेज पर ड्रिपिंग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। ड्रिपिंग के साथ साथ में मैं आपको वाटर इफेक्ट भी सिखाऊंगा, यानी वाटर कलर का इफेक्ट अपन कैसे दे सकते हैं वो भी सिखाऊंगा और ड्रिपिंग इफेक्ट भी सिखाऊंगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो मैंने आपको डायमेंसिटी दे रखी है वही आपको रखनी है। आप चाहे तो चेंज अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सबसे बेस्ट डायमेंसिटी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद आपको फिल्टर पे जाना है। फिल्टर पे जाने के बाद फिल्टर गैलरी पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर अपन टेक्स्चर के अंदर जाएंगे और टेक्स्चर के अंदर जो सबसे लास्ट वाला टेक्स्चर है, आप चाहे तो कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैनवास टेक्स्चर लिया है, तो आप चाहे तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप ये भी ले सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्चर लेने के बाद अपन यहाँ पर सिंपल से ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपन कंट्रोल ओ, यानी जो नई इमेज अपन को ओपन करनी है उसके लिए अपन कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद यहाँ पे अपनी आप जिस भी इमेज पे अपना इफेक्ट देना चाहते हो वो इमेज आपको यहाँ पर ओपन करनी है। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद अपन को यहाँ पे लॉक ओपन करना है और क्विक सिलेक्शन टूल से आपको जो मेन सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप सिंपल सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। और अगर इसके अलावा आप कोई और ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। मैंने और बहुत सारे ट्यूटोरियल वहाँ पर आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। पिछले वीक मैं एक भी वीडियो नहीं ला पाया, वैसे भी वीक में मैं दो वीडियो लाता हूँ, लेकिन पिछले वीक एक भी वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उसकी वजह से नहीं ला पाया था। उसके बाद आपको सेलेक्टेड मास्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन रह गया है तो वो आपको फिल कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आगे की वीडियो मैं आगे जो भी वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन भी आएगा और आपको ब्राउज फीचर में भी देखने को मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ना तो नोटिफिकेशन आएगा ना ब्राउज फीचर में आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपन को लेयर मास्क करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली लेयर मास्क यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मूव टूल से इसको अपने मेन जो बैकग्राउंड अपन ने क्रिएट किया था उस पर ले जाना है और कंट्रोल टी से आपको इसे एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है और इसको हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद आप जो कंट्रोल ओ करना है और जो पीछे अपन बैकग्राउंड में इफेक्ट देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे ओपन करना है। ये ड्रिपिंग इफेक्ट है, फर्स्ट ड्रिपिंग इफेक्ट देंगे। ड्रिपिंग इफेक्ट अपन ने यहाँ पे लिया। उसके बाद अपन यहाँ पे इसका जो व्हाइट जो एक्स्ट्रा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा रिमूव हो जाएगा। यहाँ से अपन इसको ड्रैग करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। डिलीट का बटन प्रेस करने से वो जो लिखा हुआ था वो हट जाएगा। उसके बाद इस लेयर को अपन क्या करेंगे, कंट्रोल टी से पहले एडजस्ट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद इस लेयर को अपने बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। इस लेयर को अपन बैकग्राउंड लेयर के ऊपर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद जो अपनी ये वाली लेयर है मॉडल वाली, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। इससे क्या होगा, वो इमेज जो अपनी ड्रिपिंग इफेक्ट वाली जो इमेज थी उसमें वो मर्ज हो गई, या फिर यू कह सकते हैं कि उसके अंदर जाके फूट हो गई, फील हो गई। उसके बाद लेयर मास्क पे आपको कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है जिससे कि ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अपना ड्रिपिंग इफेक्ट वाली इमेज है उस पर लेयर मास्क आपको क्रिएट करना है और मेन जो हाइट की हुई लेयर थी उसको अनहाइड करना है। उसके आपको लेयर मास्क पे क्लिक करना है और लेयर मास्क पे क्लिक करने के बाद ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल के अंदर जो हार्ड वाला ब्रश है वो ले लेना है आपको। हार्ड ब्रश लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो नीचे ड्रिपिंग इफेक्ट दिया था वहाँ पे इरेज कर देना है। उसके लिए फोरग्राउंड कलर आपको ब्लैक रखना है। उसके बाद जो ऊपर की लेयर है बैकग्राउंड को छोड़कर उसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल जी प्रेस करना है तो ग्रुप हो जाएगा और कंट्रोल टी प्रेस करके अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे। कंट्रोल जी से ग्रुप होता है। उसके बाद अपन को जो ब्रश टूल लेंगे और थोड़ा सा जो रिमेनिंग रह गया उसको अपन यहाँ पे इरेज करेंगे।
कंट्रोल हो करेंगे, कंट्रोल हो करने के बाद जो पीछे का बैकग्राउंड में जो अपन इफेक्ट देना चाहते हैं वाटर कलर इफेक्ट, वो तो हो गया ड्रिपिंग इफेक्ट। ड्रिपिंग इफेक्ट के साथ मैंने आपको बताया मैं वाटर कलर इफेक्ट भी आपको बताऊंगा। तो वाटर कलर इफेक्ट के लिए मैंने कुछ टेक्सचर पहले से डाउनलोड करके अपन इन दोनों को ओपन कर देंगे। उसके बाद इसको वहाँ से मूव एंड ड्रॉप कर देंगे। मूव एंड ड्रॉप करने के बाद कंट्रोल टी से अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसमें अपन एडजस्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको ग्रुप जो ग्रुप बना हुआ उसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ब्लेंडिंग अपन चेंज कर देंगे। ब्लेंडिंग अपन यहाँ पर कर देंगे डार्कन। डार्कन से क्या होगा, जो व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं। उसके बाद कंट्रोल टी से अपन वापस से इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अपन एडजस्टमेंट पे जाएंगे। एडजस्टमेंट के अंदर अपन ह्यू एंड सैचुरेशन पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चार्ट यहाँ पर कलर पे क्लिक करके कर सकते हो या फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप करना चाहो वो कलर आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। ह्यू एंड सैचुरेशन से क्या होता है, ह्यू एंड सैचुरेशन से ये होता है जो आपने जो आपकी इमेज के अंदर कलर है आप उसको चेंज कर सकते हो, पिंक की जगह रेड कर सकते हो, जो चाहे वो कलर जो उस इमेज के अंदर वो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद इस टेक्सचर को अपन मूव एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे एक क्लिपिंग मास्क हो गया तो अपन इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव क्लिपिंग मास्क करेंगे। और उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन एक्टिवेट, इसको अपन ह्यू एंड सैचुरेशन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस लेयर को। उसका कंट्रोल टी से एडजस्ट करेंगे और क्योंकि इसमें भी वाइट बैकग्राउंड है तो अपन क्या करेंगे, इसका भी ब्लेंडिंग मोड जो ब्लेंडिंग मोड है वो अपन चेंज कर देंगे और इसका क्या करेंगे डार्कन जो पहले वाली लेयर पे किया था यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन अपन डार्कन कर देंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। बिना लाइक कमेंट के कोई मतलब नहीं है मेरा वीडियो डालने का। उसके बाद यहाँ पे लैंडमार्क क्रिएट करेंगे। लैंडमार्क क्रिएट करने के बाद ब्रश टूल लेंगे और फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे। यहाँ पे ब्रश मेरा हार्ड सेलेक्ट था, यहाँ पे मैं सॉफ्ट ब्रश लूंगा उसके बाद वापस से इसको इफेक्ट करूंगा। फोरग्राउंड कलर ब्लैक क्यों रखा आपको हर वीडियो में मैं बताता हूँ, क्योंकि अपना जो आपने लैंडमार्क क्रिएट करा वो व्हाइट कलर का लैंडमार्क है इसलिए फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है यहाँ पे। अगर यही लेयर मास्क अगर अपना ब्लैक कलर का होता तो फोरग्राउंड कलर अपन व्हाइट रखते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर जाना और आप नॉर्मल सा ह्यू एंड सैचुरेशन अपन इसका भी चेंज करने की ट्राई करेंगे। ये करो या ना करो ये सब आपके ऊपर है, कोई करना जरूरी नहीं भी है और करो तो भी ठीक है, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है। ह्यू एंड सैचुरेशन हो गया, अभी अपन ब्राइटनेस करेंगे, ये सब करना कोई कंपल्सरी नहीं है, ये मेरे को सही लगा तो इसलिए मैंने किया। यहाँ पे ब्राइटनेस पे जाएंगे, ब्राइटनेस के अंदर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्राइटनेस अपन सेट करेंगे। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे भी अपन ब्राइटनेस करेंगे। काम क्या कर सकते हो कि आपका जो बैकग्राउंड जो पेज है मेन पेज है आप उसको ग्रुप के से नीचे यानी कि ये जो इफेक्ट दे रहे हैं उसके ऊपर अपन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ताकि क्या होगा कि ये जो भी इफेक्ट मैं दे रहा हूँ ब्राइटनेस का तो वो डायरेक्टली उस बैकग्राउंड पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कितने बार बैकग्राउंड क्या होता है कि कुछ अलग बैकग्राउंड होता है तो उस पर फिर दिक्कत आ जाती है, अगर कलरफुल बैकग्राउंड होता तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे अपन लेवल लेंगे, लेवल में ग्रुप के ऊपर अपन ने लेवल क्रिएट करा ताकि सारी जो टेक्सचर है प्लस इमेज है मॉडल की इमेज है वो सारे अपन इसमें कलर डार्क कर दिया। तो गाइस ये इफेक्ट तैयार है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल टी करके एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।